हेलो गाइस वेलकम टू द चैनल एच टू ओ एड ऑफ केमिस्ट्री ये चैनल आप सब स्टूडेंट्स जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जैसे कि नेट और गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वेल उन लोगों के लिए ये चैनल है और आप लोगों को हर तरह से हम अपना बेस्ट लेवल कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऐसा कंटेंट दे सके जो कि आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा स्कोर करने में हेल्प करे और हमने ये देखा है कि स्टूडेंट्स को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती तो ये एक कंप्लीट प्ले है जो कि हम आप स्टूडेंट्स की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प करने के लिए क्रिएट कर रहे हैं प्लेलिस्ट है इनऑर्गेनिक मेड इजी जैसे कि यह नाम बताता है वेल, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए सो so दैट कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकें, बहुत अच्छे से याद रख सकें और आपको इनफैक्ट एक बारी में इस तरीके से हम ये चीजें पढ़ा दें कि आपको दोबार से भी अपने एग्जामिनेशन के लिए रिवाइज भी ना करनी पड़े तो भी आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी प्लेलिस्ट है जिसमें एक एक लेक्चर हम इस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं कि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो और उनको याद करने के लिए हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स दे दें जो कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग भी बना दे आप लोगों के लिए और साथ ही में आप उसमें बहुत अच्छे से स्कोर भी कर सके सो प्लीज मेरा एक अनेस्ट रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे एक एक लेक्चर को जरूर देखिएगा आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर्स फॉर आयनिक कंपाउंड्स। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स के लिए थर्मल स्टेबिलिटी के ट्रेंड्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं आज हम उन ट्रेंड्स को ट्रिक के साथ याद रखेंगे मगर उससे पहले मैं आपको इस कंसेप्ट की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी जरूर दूंगी कि थर्मल स्टेबिलिटी से हमारा मीनिंग क्या है वो किस फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है और फिर उसके बाद जल्दी से हम उन ट्रेंड्स को सीखेंगे विद अ वेरी शॉर्ट इजी ट्रिक ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर मेरे साथ अच्छा लगेगा तो प्लीज एट द एंड ऑफ द लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये चैनल कैसा लग रहा है ये लेक्चर कैसा लगा ये प्ले कैसे लगी एंड सो ऑन सो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी तो चलिए शुरू करते हैं सो so, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय थर्मल स्टेबिलिटी द एबिलिटी ऑफ अ केमिकल एंटिटी टू विद स्टैंड हीट विदाउट ब्रेक डाउन इज कॉल्ड एज थर्मल स्टेबिलिटी अब इसका मीनिंग क्या है हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास तीन सब्सटेंसेस हैं ए बी और सी राइट right? हमने इन तीनों को हीट करना शुरू किया जो पहला सब्सटेंस ए था जब अप्रोक्सीमेटली 28 डिग्री सेल्सियस हम मान लेते हैं कि टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ही ज्यादा तो ये जो कंपाउंड है ये डिकम्पोज करके दो नए कंपाउंड्स फॉर्म कर रहा है डी और ई e. ठीक है। दूसरे कंपाउंड को हीट किया तो 28 डिग्री सेल्सियस पे कुछ नहीं हुआ मान लेते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस पे ये कंपाउंड ब्रेक डाउन कर गया ठीक है इसने बना लिया, F और, G बना लिया। है। और जो कब्सटान सी है उसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो ये जाके डी हुआ और इसने एच और आई बना लिया राइट तो इसमें से जो सब्सटेंस ए है इसका मतलब है कि वो थर्मली सबसे कम स्टेबल है क्योंकि थोड़ा सा ही हीट करने पे वो डिकम्पोज हो गया सब्सटैंस भी उससे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि हमें उसे हायर टेम्परेचर पे हीट करना पड़ा और सी सब्सटैंस सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें हमें सबसे ज्यादा हीट देने पड़े और उसका ब्रिकटाव हुआ राइट या एक सबस्टैंस डी है जिसे हम फाइव 1500 डिग्री सेल्सियस पे भी ले गए राइट right? और वो डिकम्पोज ही नहीं हुआ वो वैसे का ही वैसे रहा तो ये क्या हो गया ये सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल है राइट right? तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि हम थर्मल स्टेबिलिटी से यहाँ पे मीन क्या कर रहे हैं अब थर्मल स्टेबिलिटी किस पर डिपेंडेंट होगी ऑब्वियसली कुछ फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होगी आज का हमारा ये लेक्चर आयनिक कंपाउंड्स की थर्मल स्टेबिलिटी पे है तो हम आज आयनिक कंपाउंड्स की थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करते हैं सो फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड सबसे पहला फैक्टर साइज ऑफ द आय स्मर द साइज ऑफ द आयन ग्रेटर द इंटर आयनिक इंटरैक्शनोर स्टेबल द कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है और हमारे पास केसीएल है पोटेशियम क्लोराइड राइट इस केस में क्लोराइड आयन दोनों केसेस में कॉमन है सोडियम आयन है और पोटेशियम आयन है राइट right? इधर हमारे पास क्लोराइड आयन है दोनों तरफ अब इनके बीच में क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इधर भी इनके बीच में क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है अगर हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन को ब्रेक करेंगे तभी ये कंपाउंड डीकोज होगा सिमिलरली इधर भी हम इसे हीट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ़ ब्रेक करेंगी, तो ये कंपाउंड डी करेगा राइट तो थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंडेंट होगी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पे अब अगर हमारे पास जो कंपाउंड है उसके अंदर जो आयंस है उसका साइज अगर छोटा हो अगर साइज छोटा होगा तो इंटर आयनिक इंट्रैक्शन जो होंगी वो ज्यादा होंगी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी तो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा राइट तो स्मॉलर इज गोइंग टू बी द साइज

तो वो थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा ठीक है सो so, हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ द आयनिक बॉन्ड है दैट इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द आयन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द आय राइट और यहां से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को भी कंक्लूड कर सकते हैं एंड दैट इज कि द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी अब ये लैटिस एनर्जी क्या है लेटेस अंडरस्टैंड दिस सो लैटिस एनर्जी क्या है वेल दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज वेन वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन द गैशियस फेस और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड क्रिस्टल इन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन द फेज इसका मीनिंग ये है कि सपोजिटली हमारे पास ऑपोजिटली चार्ज आय उनकी क्लोज पैकिंग से हमने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सोडियम आयन्स हैं क्लोराइड आयंस हैं गैशियस फेस में उससे हमने सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म किया तो उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे लैटिस एनर्जी या कन्वर्सली हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी सो अगेन हमारे पास सोडियम क्लोराइड सॉलिड है उसे ब्रेक करने के लिए हमने सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूज किया और हमने गैशियस आयंस को फॉर्म किया राइट right? तो या तो क्रिस्टल बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी या क्रिस्टल को तोड़ने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसे हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी और ये जो लैटिस एनर्जी है दिस कैन बी गिवन बाय द रिलेशन u इक्वल टू k q1 q2 बाय r k एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू q1 q2 अब ये q1 q2 क्या है चार्ज ऑन द आयंस कैटायन पे क्या चार्ज है एनायन पे क्या चार्ज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैटिस एनर्जी एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r व्हिच इज द डिस्टेंस बिटवीन द आयंस अगर आयन का साइज बड़ा होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगा इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लैटिस एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द आयन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हायर द लैटिस एनर्जी हायर इज द अट्रैक्शन बिटवीन द एनायन एंड द कैटायन एंड देर ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड या हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी ठीक है आई होप दिस इज क्लियर ना मगर थर्मल स्टेबिलिटी सिर्फ लैटिस एनर्जी पे डिपेंडेंट नहीं होती है उसके लिए और भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे कि कैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है कैसी लैटिस के अंदर पैकिंग हुई है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं चीफली हम ये कह सकते हैं कि वो लाटेस्ट एनर्जी पे डिपेंडेंट है बट और भी फैक्टर्स होते हैं राइट right? और अब उन फैक्टर्स को तो हमें डिटेल में स्टडी नहीं करना है हमें स्टडी करना है कि थर्मल स्टेबिलिटी के वेरियस ट्रेंड्स क्या है फॉर द आयनिक कंपाउंड और उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक दे दूंगी उस ट्रिक का बेस्ट पार्ट ये है कि उस ट्रिक के लिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं है एक बार आपने उस ट्रिक को याद कर लिया तो वेल आपको थर्मल स्टेबिलिटी के ट्रेंड्स का एक भी ऑर्डर मगप नहीं करना पड़ेगा आपको हमेशा के लिए वो सिर्फ ट्रिक याद है तो थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर भी याद रहेंगे तो चलिए अब देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है अब जो थर्मल स्टेबिलिटी के ट्रेंड्स आपको याद करने हैं वो करने हैं ग्रुप वन के मेटल के सॉल्स और ग्रुप टू तो मेटल के सॉल्स क्योंकि ये सबसे ज्यादा आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्कली मेटल सॉल्ट्स के थर्मल स्टेबिलिटी के ट्रेंड्स राइट और उसके लिए ट्रिक क्या है वेल ट्रिक है फ्रेंडशिप इज बिटवीन इक्वल्स दोस्ती हमेशा बराबर के लोगों में होती है राइट अगर हमारे पास कीटायन छोटा है तो उसकी दोस्ती किसके साथ सबसे अच्छी रहेगी अगर एनायन भी छोटा हो और अगर एक कीटायन का साइज बड़ा है तो उसकी दोस्ती भी सबसे ज्यादा किसके साथ होगी एक बड़े साइज के एनायन के साथ अगर एक छोटे कीटायन के, के साथ एक छोटा एनायन है दैट इज गोइन टू बी थर्मली हाईली स्टेबल और एक बड़ा केटायन है तो दैट विल भी थर्मली स्टेबल विद अ लार्ज एनायन राइट right? और अब एक छोटा एनायन कौन सा है एक मोनो एटोमिक आयन और एक लार्ज एनायन कौन सा है पॉली एटोमिक आयन तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास फ्लोराइड आयन है क्लोराइड आयन है ब्रोमाइड आयन है आयोडाइड आयन है तो ये सब मोनो एटोमिक आयन हैं इन्हें हम यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर्स के लिए एक छोटा एनायन मानेंगे All right. और जो polyatomic ions हैं, जैसे कि nitrate ion है, sulfate ion है, carbonate ion है, वो सब क्या हो जाएंगे? आयंस तो के लार्ज के साथ स्मॉल की स्टेबिलिटी के स्मॉल के साथ तो एग्जाम्पल्स देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये ट्रेंड्स को इस तरीके से याद करना कितना आसान है वेल well, तो so हमारे पास सबसे पहले है ऑक्साइड अब ऑक्साइड आयन एक मोनो एटोमिक आयन हो गया तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसके साथ होगी लिथियम आयन के साथ क्योंकि वो सबसे ज्यादा छोटा है राइट right? तो इसका मतलब क्या है कि अगर एनायन का साइज छोटा है तो वो एक छोटे केटायन के साथ ज्यादा स्टेबल है लिथियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा डाउन द ग्रुप स्टेबल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्राइड्स अगेन हाइड्राइड आयन आयन H नेगेटिव मोनो छोटा आयन इसलिए वो लिथियम आयन के साथ सबसे ज्यादा स्टेबल डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी नेक्स्ट है हमारे पास हेलाइड्स तो हेलाइड आयन कोई भी चाहे वो क्लोराइड हो ब्रोमाइड हो आयोडाइड हो फ्लोराइड आयन हो सब मोनो एटोमिक आयन के लिए थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी नेक्स्ट हाइड्रोक्साइड्स हाइड्रोक्साइड ओएच आयन क्या हो गया पॉलीएटॉमिक हो गया एक से ज्यादा एटम से बना हुआ एनायन है तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी क्योंकि बड़ा एनायन बड़ा केटायन नेक्स्ट आगे कार्बोनेट्स अगेन पॉलीएटॉमिक आयन हो गया इसका मतलब है थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी बाई कार्बोनेट्स अगेन थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी क्योंकि एनायन क्या है पॉली बड़ा एनायन बड़ा केटायन थर्मली ज्यादा स्टेबल नेक्स्ट हमारे पास आगे नाइट्रेट्स तो अगेन नाइट्रेट आयन पॉली एटोमिक बड़ा एनायन बड़ा केटायन थर्मली स्टेबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज डाउन द ग्रुप नेक्स्ट आगे सल्फेट्स अगेन पॉली एटोमिक आयन बड़ा एनायन बड़ा किटाइन डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी पर तो मतलब है एटोमिक हो गया ये क्या बनेगा O2 2- माइनस राइट right? तो परोक्साइड आयन भी एक बड़ा एनायन थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी सिमिलरली परसाइड की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी और ओजोनाइड्स थ्री नेगेटिव राइट तो ये है ओजोनाइड आयन अगेन बड़ा एनआईन डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी है ना कितने सारे हमने थर्मल स्टेबिलिटी के ट्रेंड्स देखे और ट्रिक के साथ उन्हें याद करना कितना आसान तो इसी तरीके से हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के अब सॉल्व देखते हैं और उनके थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर्स देखते हैं ट्रिक वही है कोई भी उसमें चेंज नहीं है फ्रेंडशिप इज बिटवीन इक्वल्स अगर एक छोटा केटायन है छोटे एनायन के साथ स्टेबल रहेगा एक बड़ा एनायन है और वो बड़े केटायन के साथ स्टेबल रहेगा छोटा एनायन मतलब मोनो एटोमिक आयन और बड़ा एनायन मतलब पॉली एटोमिक आयन तो थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर्स जल्दी से अब यहां पे भी देखते हैं सबसे पहले अगेन ऑक्साइड तो ऑक्साइड आयन मोनो एटोमिक आयन तो डाउन द ग्रुप क्या होगा थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी नेक्स्ट हम आ गए हेलाइड्स पे तो हेलाइड के केस में अगेन फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड मोनो एटोमिक आयन है छोटे एनायन डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी नेक्स्ट हम आगे नाइट्राइड आयन सो दिस इज गोइंग टू बी एन थ्री माइनस अगेन ये क्या है एक मोनो एटोमिक आयन है थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी क्योंकि छोटा एनायन छोटे एनायन के साथ थर्मली ज्यादा स्टेबल नेक्स्ट हम चलते हैं नाइट्रेट्स पे अगेन नाइट्रेट आयन पॉली एटोमिक लार्ज एनायन थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी सबसे बड़े कटाइन के साथ नाइट्राइट नाइट्रेट आयन सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बोनेट्स अगेन थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी उसके बाद सल्फेट्स थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी उसके बाद हाइड्रोक्साइड्स थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन पॉलीएटॉमिक आयन बड़ा एनायन बड़ा केटाइन ऑक्सलेट्स अगेन बड़ा केटाइन बड़ा एनायन थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल राइट तो बेस्ट पार्ट इस ट्रिक की यही है कि इसमें आपको कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगी सिर्फ सिंपल सी ये ट्रिक को याद कर लो थर्मल स्टेबिलिटी का कोई भी ऑर्डर आपको याद नहीं करना पड़ेगा राइट सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा आप लोग next lecture के लिए वेट करेंगे जहां पे हम और ऐसे ही कुछ लेके लेके आएंगे ले आएंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आपको जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा सो इन केस आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट की आपको शन्स मिलते रहें कि हम आपके लिए अब नेक्स्ट लेक्चर क्या लेके आ रहे हैं और डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट कि उनके लिए भी ये लेक्चर्स हेल्पफुल हो वो भी अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर सके सो सी यू अगेन हैव अ नाइस डे गॉड ब्लेस यू